कि बड़ा थोड़ा होमवर्क करेंगे, तू तू मैमे और चिल्लाना चिखना नारेबाजी करना, उसके लिए तो 10 लोग मिल जाएंगे उनको, लेकिन थोड़ा दिमाग वाला भी काम कीजिए ना। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजनीति अपनी जगह पर है, संसद ये दल के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, संसद ये देश के लिए सम्माननीय सर्वोच्च संस्थान है और इसलिए सांसदों के लिए भी इसके प्रति गंभीरता होना बहुत जरूरी है। देश इतने संसाधन लगा रहा है, देश के गरीब के हक का यहां खर्च किया जाता है, यहां का पल पल का उपयोग देश के लिए होना चाहिए, लेकिन ये गंभीरता विपक्ष के पास नजर नहीं आ रही। इसलिए अध्यक्ष जी, ये राजनीति ऐसी तो नहीं हो सकती, चलो खाली है जरा संसद घूमाते हैं, इसलिए संसद है क्या, ये तरीका होता है क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये चलो संसद घुमाते भावना से राजनीति तो चल सकती है, देश नहीं चल सकता है। यहां देश चलाने के लिए हमें काम दिया है और इसलिए उस जिम्मेवारी को अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम जनता जनार्दन का, अपने मतदाताओं का विश्वासघात करते हैं और इन्होंने विश्वासघात किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा इस देश की जनता पर अटूट विश्वास है, अपार विश्वास, और मैं अध्यक्ष जी विश्वास से कहता हूं कि हमारे देश के लोग एक प्रकार से अखंड विश्वासी लोग हैं। हजार साल की गुलामी के कालखंड में भी उनके भीतर के विश्वास को कभी उन्होंने हिलने नहीं दिया था। यह अखंड विश्वासी समाज है, अखंड चैतन्य से भरा हुआ समाज है, ये संकल्प के लिए समर्पण करने की परंपरा को लेकर चलने वाला समाज है। वयम राष्ट्रांग भूतः कह करके देश के लिए उसी संवेदना के साथ काम करने वाला ये समाज है और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक है गुलामी के कालखंड हम पर बहुत हमले हुए, बहुत कुछ झेलना पड़ा हमें, लेकिन हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश के चिंतकों ने, हमारे देश के सामान्य नागरिक ने विश्वास की उस लौ को कभी बूझने नहीं दिया, कभी भी वो लौ कभी बूझी नहीं जी, और जब लौ बूझी नहीं तो उस प्रकाश पुंज की साय में आज लो हम उस आनंद को ले रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते 9 वर्षों में देश के सामान्य का मानवीय का विश्वास नई बुलंदियों को छू रहा है, नए अरमानों से को छू रहा है। मेरे देश के नौजवान विश्व की बराबरी करने के सपने देखने लगे और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हर भारतीय विश्वास से भरा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत न दबाव में आता है न दबाव को मानता है, आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है। उस समृद्ध विरासत विश्वास लेकर के, संकल्प लेकर के चली है और यही कारण है जब देश का सामान्य मानवीय देश पर विश्वास करने लगता है तो दुनिया को भी हिंदुस्तान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आज जो भी दुनिया का विश्वास भारत के प्रति बना है उसका एक कारण भारत के लोगों का खुद पर विश्वास बढ़ा है। यह सामर्थ्य है, कृपा करके इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मौका आया है देश को आगे ले जाने का, समझ नहीं सकते तो चुप रहो, इंतजार करो, लेकिन देश के विश्वास को विश्वासघात कर करके तोड़ने की कोशिश मत करो। आदरणीय अध्यक्ष जी,
बीते वर्षों में विकसित भारत के एक मजबूत नींव रखने में हम सफल